हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोगड़ा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग 10th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर पीरियोडिक 3 जो कि 2021-22 में कंडक्ट किया गया है, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 20 हैं और टाइम ड्यूरेशन इज 50 मिनट। इस क्वेश्चन पेपर में 4 चैप्टर्स लिए गए हैं, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड चैप्टर 10 सर्कल्स। इन 4 चैप्टर के क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में है। इसमें हम हर एक क्वेश्चन को आपके लिए काफी आसान मेथड से एक्सप्लेन करेंगे। हो सकता है इसके लिए वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, आप एंड तक बने रहें जिससे आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ सके। तो सबसे पहले देखते हैं इंस्ट्रक्शंस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आपको हर क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कैरी 1 मार्क ईच एंड क्वेश्चन नंबर 11 to 15 कैरी 2 मार्क्स ईच। 15 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है और 11 से 15 तक हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड वेदर द रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट और नॉट। हमें ये बताना है कि क्या इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो रियल रूट एग्जिस्ट करने के लिए हमें चेक करना होता है डी डिस्क्रिमिनेंट। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग डी फाइंड आउट करेंगे। डी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहां पे जो ए बी सी की वैल्यू है वो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए, एक्स का कोफिशियंट माइनस 6 जो कि बी है और कांस्टेंट नंबर सी है। हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह हम लोग 3 पुट करेंगे, सी की जगह हम लोग 5 पुट करेंगे। तो माइनस 6 का स्क्वायर जो है वो 36 माइनस 4 3 12 12 5 60। तो यहाँ पे जो डी की वैल्यू है माइनस 24, तो डी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इक्वेशन के डज नॉट एग्जिस्ट रियल रूट्स। तो रियल रूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 2, वट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी √27 √48 √75। तो यहाँ पे अगर हमें इस एपी का नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है तो हमें इसको अंडर रूट से पहले सिंप्लीफाई करके बाहर रखना होगा। तो किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पे अंडर रूट 27 है, इसके अगर हम लोग फैक्टर बनाएंगे 3 × 3 × 3, अंडर रूट 48 के हम लोग फैक्टर बनाएंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 2 भी होगा, और 75 के हम लोग बनाएंगे 3 × 5 × 5। देखिए 5 का पेयर बना तो इसे हम 5√3 लिखेंगे, यहाँ पे 2 का पेयर और 2 का पेयर भी बना 4√3, और यहाँ पे 3 का पेयर बना है 3√3। तो यहाँ पे देखिए 3√3 4√3 5√3, तो यहाँ पे √3 इसमें एड होता जा रहा है। तो इसका जो नेक्स्ट टर्म बनेगा वो होगा 6√3, लेकिन यहाँ पे हमें √3 के अलावा भी बताना है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर इसी 6 को जब अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में होगा, तो ये हो जाएगा √108। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। यहाँ पे हमको बताना है कि इसमें जो भी नंबर्स आएंगे क्या वो एपी बनाते हैं या नहीं बनाते। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। जो इसमें एयर रह जाएगी किसी भी सिलेंडर में, अगर हम उसमें से वैक्यूम पंप के थ्रू 1/4 एयर सिलेंडर की एक बार में निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है उसमें एपी जनरली नहीं बनती है, क्योंकि हर बार जो एयर रिमूव होगी वो 1/4 को हम लोग मान सकते हैं 25%, तो 25% एयर जो उसके अंदर रिमेनिंग रहेगी उसका होगा। तो हर बार जो मान लीजिए हमने यहाँ पे शुरू में 100 यूनिट एयर थी, हमने 1/4 रिमूव कर दी, तो 1/4 × 100 75 यूनिट उसके अंदर रह गई, दिस इज रिमेनिंग, क्योंकि 25 हमने बाहर की एयर। तो अब यहाँ पे 1/4 नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे वो 75 का आएगा, तो
तो देखिए पहले जो एयर रिमूव हुई है वो 25 है, लेकिन इस बार हमारे पास 25 नहीं होगी। एवरी टाइम जो है वो एयर उसमें से जो रिमूव होगी वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट की होगी, तो ये एक एपी नहीं बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ एपी। हमें इस एपी का मिसिंग टर्म बताना है 3, box 33 and 48। देखिए यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म गिवन है a = 3, और यहाँ पे हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ टर्म भी गिवन है, तो यहाँ से हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। a4 - a3, 48 - 33 = 15। जो हमें फाइंड आउट करना है वो सेकंड टर्म फाइंड आउट करना है, तो सेकंड टर्म की वैल्यू होगी a + d 3 + 15, तो यहाँ पे जो बॉक्स के अंदर होगा वो 18 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट पी विच इज 17 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए इसके लिए पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट पी, किसी सर्कल के ऊपर पॉइंट पी से जो हमने टेंजेंट बनाई है, तो ये पॉइंट पी है, इससे हम लोगों ने टेंजेंट बनाई है विच इज 17 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। अब ये पॉइंट पी जो है वो सेंटर से 17 सेंटीमीटर दूर है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस कितनी है वो हमको बताना है। इस 15 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो 15 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हम पी क्यू एंड ओ, तो यहाँ पे देखिए हमें पता है कि ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, तो हम ट्राइंगल पी क्यू आर में बाय पाइथागोरस थ्योरम इससे हम लोग लिख सकते हैं, ये रेडियस हम लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस 15² = 17² बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, सो आर स्क्वायर प्लस 225 = 289, सो आर स्क्वायर इज 289 - 225, सो आर स्क्वायर इज 64, तो रेडियस जो होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, सीपी एंड सीक्यू आर टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। अब ये देखिए सेंटर ओ के साथ सीपी और सीक्यू दो टेंजेंट हैं। ए आर बी इज अनदर टेंजेंट, ए आर बी कोई और टेंजेंट है टचिंग द सर्कल एट आर, जो सर्कल को आर पॉइंट पे टच करता है। इफ सीपी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, सीपी जो है वो 11 सेंटीमीटर है, बीसी इज 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी आर, बी आर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना के उसमें वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम इसे समझाएंगे। देखिए ये डायग्राम है, पॉइंट सी से दो टेंजेंट बनी है सीपी एंड सीक्यू, तो ये हमें पता है कि जो सीपी है वो सीक्यू के साथ इक्वल है, ये हमें 11 सेंटीमीटर गिवन है, बीसी 7 सेंटीमीटर गिवन है, हमें बी आर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सीपी जो है वो सीक्यू के साथ इक्वल, सीपी अगर 11 सेंटीमीटर है तो सीक्यू की वैल्यू भी 11 सेंटीमीटर। अब ये जो सीक्यू 11 सेंटीमीटर है ये दो पार्ट से बना है, सीबी प्लस बीक्यू। अब ये सीबी की वैल्यू हम 7 लिख देंगे, तो बीक्यू की वैल्यू हम लोग बता सकते हैं 11 - 7 मतलब कि 4 सेंटीमीटर। अब ये हमने बताया कि ये 4 सेंटीमीटर है। अब यहां पे देखिए पॉइंट बी से भी दो टेंजेंट हैं, बीक्यू एंड बीआर दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो यहाँ पे इसकी जगह हम बी आर भी लिख सकते हैं जो कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि बी सी जो है वो बी क्यू के इक्वल है, टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है, इन फिगर इफ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ के साथ ये दो टेंजेंट है, सो दैट एंगल पी ओ क्यू 110, तो पी ओ क्यू ये वाला एंगल 110 गिवन है हमें, देन फाइंड द एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू हमें एंगल फाइंड आउट करना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि देखिए हमें ये पता है कि ओ पी टी 90 डिग्री है, ओ क्यू टी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री गिवन है, ये 110 गिवन है, ये 90 गिवन है, और इस एंगल को साथ मिला के हम एक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। तो इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी।
तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 110 प्लस 90 प्लस एंगल PTQ 360 के इक्वल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे देखिए 90 180 और 110 290, तो एंगल PTQ की जो वैल्यू है 360 माइनस 290, तो एंगल PTQ की जो वैल्यू बनेगी वो 70 डिग्री होगी। तो ये एंगल 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 2K 3K माइनस 1 एंड 8 आर इन AP देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ K। तो यहां पे हमें ये गिवन है कि ये तीनों ही AP में है। अगर ये तीनों AP में है तो AP के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनमें जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो यहां पे देखिए 2K 3K माइनस 1 एंड 8, इसे हम लोग अगर A1 A2 एंड A3 काउंट करें तो A2 माइनस A1 D आएगा और A3 माइनस A2 ये भी D आएगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो इसे हम लिखेंगे 3K माइनस 1, इसमें से हम 2K सब्ट्रैक्ट करेंगे और 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3K माइनस 1। 3K माइनस 2K K हो गया, K माइनस 1 इज इक्वल टू 8 माइनस 3K प्लस 1। K माइनस 1 इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9 माइनस 3K। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने माइनस 3K को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और माइनस 1 को राइट हैंड साइड में। तो 4K इज इक्वल टू 10, तो K की वैल्यू 10 अपॉन 4 दैट मीन्स 5/2। तो जो K की वैल्यू है वो 5/2 होगी। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर किसी भी पॉइंट से 16 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए ट्री, ट्री के फुट से 16 मीटर डिस्टेंस पर है। ये हम एक ट्री मान लेते हैं, ट्री के फुट से 16 मीटर डिस्टेंस पे किसी भी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री, ये ट्री का टॉप है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग देखते हैं 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो इस ट्री की हाइट को ए बी डिस्टेंस जो भी है उसे हम लोग एच मान लेते हैं। आप एक बात याद रखिए कि यहां पे अगर चैप्टर 9 में 45 डिग्री आता है तो उस केस में बेस और परपेंडिकुलर इक्वल हो जाते हैं, तो हम हाइट को भी 16 मीटर लिखेंगे। लेकिन उसके लिए देखिए 45 डिग्री है, उसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। तो यहां पे हमें पी फाइंड आउट करना है और बी गिवन है, तो पी और बी में जो रिलेशन बनेगा वो 10 बनेगा। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC 10 45 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन BC। 10 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू AB की जो वैल्यू है H और BC की वैल्यू है 16, क्रॉस मल्टीप्लाई किया H इज इक्वल टू 16 मीटर। सो हाइट ऑफ द ट्री इज 16 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट तो गिवन है 2, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसी में अगर हम लोग ये x की जगह 2 पुट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे, दैट मीन्स वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे जो 2x² माइनस सॉरी प्लस kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, इसमें हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 2x की जगह हम लोगों ने 2 पुट कर दिया प्लस kx की जगह 2 पुट किया, तो देखिए ये वैल्यू हो गई 2 का स्क्वायर 4 2 8 प्लस 2q माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 8 माइनस 6 2 हो गया, सो 2q इज इक्वल टू माइनस 2, सो k इज इक्वल टू माइनस 1, k की वैल्यू माइनस 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, और इक्वल रूट्स के लिए हमें पता है कि यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो डी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल होगा। तो यहां पे kx
सॉरी के जो है के एक्स एंड 3x माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हम लोग इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो के एक्स को 3x से मल्टीप्लाई किया, सो 3k एक्स स्क्वायर माइनस 4k एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो इसके रूट्स हैं वो हमें इक्वल गिवन है, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डी को हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। और अब हम लोग यहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए है, एक्स का कोफिशियंट बी और कॉन्स्टेंट नंबर सी, तो बी की जगह पुट करेंगे माइनस 4k का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 3k और सी की जगह 4 इज इक्वल टू 0। 16k स्क्वायर माइनस 48k इज इक्वल टू 0। 16k कॉमन आ गया, k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो हम यहां पे कह सकते हैं k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 3। अब देखिए k की वैल्यू 0 अगर हम लोग यहां पे पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन ही अपने आप में फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, सेकंड टर्म भी 0 हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। तो k इज इक्वल टू 0 को तो हम लोग नॉट वैलिड कहेंगे, तो जो k इज इक्वल टू 3 है वही हमारे लिए फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12। इन द फिगर टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट सी। दोनों सर्कल पॉइंट सी पे आपस में टच करते हैं। प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट एट सी, जो सी पर कॉमन टेंजेंट है, जो ये ई एफ टेंजेंट है जो सर्कल 1 और सर्कल 2 को भी इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। बाइसेक्ट द अदर टू कॉमन टेंजेंट, जो बाकी दो कॉमन टेंजेंट है जैसे पी क्यू है ये दोनों सर्कल के लिए कॉमन टेंजेंट है और जी एच है ये भी कॉमन टेंजेंट है, इनको बाइसेक्ट करती है। तो हमें ये बताना है कि पी ई डिस्टेंस और ई क्यू डिस्टेंस इक्वल है, जी एफ डिस्टेंस और एफ एच डिस्टेंस इक्वल है। देखिए इसमें हम लोग जी पॉइंट से इस सर्कल पर जिसका सेंटर ए है दो टेंजेंट बनती हैं, एफ जी और एफ सी, दोनों की वैल्यू सेम होगी तो इसे हम लोग एक्स और एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। एफ से ही दूसरे सर्कल के ऊपर एफ सी और एफ एच दो टेंजेंट बनती हैं, दोनों की वैल्यू सेम होगी तो एफ सी हमें एक्स सेलेक्ट किया हुआ है तो इसे भी हम लोग एक्स करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जैसे जी एफ जो है वो एफ सी के साथ इक्वल है और दूसरे में एफ सी जो है वो एफ एच के साथ इक्वल है, तो इस तरह से एफ जी एफ और एफ एच भी इक्वल हो गया। तो ये देखिए यहां से जी एफ और एफ एच इक्वल है, दैट मीन्स ये जो टेंजेंट है ये बाइसेक्ट होती है एक्स और एक्स। इसी तरह से हम लोग यहां पे देखेंगे ई पॉइंट से दो टेंजेंट है ई पी एंड ई सी, दोनों की वैल्यू सेम, इसे हम लोग वाई और वाई लेट कर लेते हैं। ई से दूसरे सर्कल पर भी ई सी और ई क्यू टेंजेंट है, अगर इसे हम लोगों ने वाई लेट किया है तो ये भी उसके इक्वल ही होगी वाई, तो इसका मतलब पी ई डिस्टेंस और ई क्यू डिस्टेंस दोनों ही वाई और वाई है, इसका मतलब पी ई जो है ये जो पॉइंट ई है ये इस पी क्यू को बाइसेक्ट करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और यही हम लोगों को इसको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 से डिवाइड होने वाले शुरू के 5 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करना है। देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम लोग एपी बनाएंगे तो 6 से डिविजिबल शुरू के जो 5 नंबर्स होंगे 6, 12, 18, 24 और 30, ये 5 होंगे, हमें इनका सम फाइंड आउट करना है। तो सम के लिए सबसे पहले देखिए एन की वैल्यू 5 है, 5 टर्म्स हैं, ए की वैल्यू 6 है और ए 5 की वैल्यू 30 है, तो हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन, तो यहाँ पे एस 5 की जो वैल्यू होगी 5 अपॉन 2, ए की वैल्यू 6 है और ए एन की वैल्यू 30, 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 36, 2 से कैंसिल आउट किया 18, 18 5 जा 90, तो इन सभी 5 टर्म्स का जो सम होगा वो 90 होगा।
क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी. इस एपी के लास्ट से 20th टर्म की वैल्यू क्या होगी. देखिए यहाँ पे हमें 20th टर्म फाइंड आउट करना है, लेकिन स्टार्टिंग से नहीं करना, लास्ट से करना है. तो सबसे पहले हम लोग इस एपी को देखते हैं. तो इस एपी में जो फर्स्ट टर्म 3 है और जो डी की वैल्यू है वो 8 - 3 - 5 है. लेकिन अगर हम इस एपी को लास्ट से देखते हैं, इफ एपी इज कंसिडर्ड फ्रॉम लास्ट, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मान के हम करेंगे, तो यहां पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू हो जाएगी 253. और देखिए अगर स्टार्टिंग से करते हैं तो जो डी की वैल्यू 5 है, मतलब 5 नंबर ऐड होता हुआ जाएगा. रिवर्स करेंगे इसको तो 5 सब्ट्रैक्ट करता हुआ जाएगा. जब भी एपी को हम लोग लास्ट से लेंगे तो शुरू में जो डी आया होगा उसका हम साइन चेंज कर देंगे, तो डी की वैल्यू हो जाएगी -5. तो अब हम इसको लास्ट टर्म से ही लेंगे, तो हम लिखेंगे 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट या एंड, ए प्लस 19d. ए की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 253 प्लस 19, डी की वैल्यू -5. 253 माइनस 95 तो 158 की वैल्यू लास्ट से 20th टर्म की होगी. क्वेश्चन नंबर 15, एज शोन इन द फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ CF. CF की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है कितना होगा. तो देखिए यहां पे अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो इस DF को भी हम लोग 2 सेंटीमीटर मान सकते हैं. तो जो भी CD की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसमें 2 सेंटीमीटर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास CF की वैल्यू होगी. तो यहां पे सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं. देखिए यहां पे 2 सेंटीमीटर है तो ये DF भी 2 सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर है तो BD की वैल्यू भी 10 सेंटीमीटर होगी. यहां पे हमें CD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल BDC में देखेंगे. यहां पे ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे CD की. 60 डिग्री एंगल हमें गिवन है, उसके सामने परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है और बेस हमें गिवन है, तो tan थीटा अप्लाई होगा. तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू CD अपॉन BD. tan 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3 इज इक्वल टू CD, हमें फाइंड आउट करना है और BD की जगह हम लोग 10 लिखेंगे. तो CD की वैल्यू हो गई 10√3 मीटर. अब इसको आप चाहे तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. √3 का मतलब 1.732 मीटर, तो जिससे 17.32 मीटर आप बता सकते हैं. लेकिन हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू CF की. तो CF के लिए देखिए CD प्लस DF, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे CF इज इक्वल टू CD प्लस DF. CD की वैल्यू 17.32 और DF की वैल्यू है 2. तो यहां पे CF की वैल्यू हो गई 19.32 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर. ये होगा इसका आंसर. तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के थे, जिसमें चैप्टर 4, 5, 9 और 10 इंक्लूडेड है. इस क्वेश्चन पेपर का PDF लिंक भी हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से इसका डाउनलोड भी कर सकते हैं. इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. इसी तरह के और क्वेश्चंस भी आपके लिए हम लाते रहेंगे. किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं.